ओके तो भाई रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने का रियल रीजन क्या होने वाला है, साथ ही साथ भाई ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने के बाद आखिर क्या करने वाला है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो आज का बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आया डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या हमें गोल्डवर अभी भी देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई देखो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, भाई मैं सीधा आपको बताता हूँ, गोल्डवर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक टाइम हुआ करता था आज के 3-4 साल पहले, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओल्ड लेजेंड को वापस बुलाकर लाते थे। आप लोग देखते थे जब भी रेसलमेनिया होता था, सऊदी के अंदर इवेंट होता था या फिर रॉयल रंबल होता था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओल्ड लेजेंड को बुलाकर लाते थे। भाई आप लोग अब 2-3 साल से देख लो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई बिल्कुल चेंज हो चुका, ओल्ड रेसलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये खासकर तब से चेंज हुआ जब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। भाई गोल्डवर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, भाई ये बिल्कुल क्लियर जवाब है, गोल्डवर अब बूढ़े भी हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता भाई ट्रिपल एच उनको कभी भी ऑफर देने वाले हैं कि आकर अपना लास्ट मैच रेसल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है सुरेश की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि डोरेमोन का क्या स्टेटस होने वाला है रेसलमेनिया के बाद, या फिर रोमर है जब हार जाएंगे अपने टाइटल को उसके बाद डोरेमोन का क्या स्टेटस होने वाला है, पॉल हेमन का क्या स्टेटस होने वाला है। भाई देखो ये चीज मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 40 के बाद ही आपको पता चेगा रोमर रेंज का स्टेटस देखने। रोमर रेंज अगर रेसलमेनिया 40 के बाद अगर स्टील चैंपियन रहते हैं फिर भाई पॉल हेमन उनके साथ ही रहने वाले, इसमें कोई डॉट वाली बात ही नहीं। पर अगर रोमर रेंज हार जाते उसके बाद भाई पॉल हेमन का स्टेटस शायद से चेंज हो सकता है, पॉल हेमन शायद से रोमर रेंज को छोड़कर सोलो सिवा के पास जा सकते हैं या फिर ब्रॉन ब्रेकर के पास जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग 20 दिन वेट कर लो, 20 दिन में रेसलमेनिया 40 होने वाला, उसके बाद आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। भाई ज्यादातर मेरा ऐसा बिलीव है पर्सनली कि अगर रोमर रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर हार जाते हैं भाई फिर पॉल हेमन उनको छोड़ देंगे, पॉल हेमन उसके बाद किसी और क्लाइंट को धर लेने वाले, रोमर रेंज के साथ शायद से वो नहीं रहने वाले। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आया @रोमन की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि हमें रोमर रेंज वर्सेस जिमी उसको कब देखने को मिलेगा। भाई देखो मेरे ख्याल से यार जिमी उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो करेक्टर जिसको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उतना भी रेलिवेंट नहीं बनाने वाले, आप लोग समझो भाई जिमी उसको एक फनी करेक्टर जो कि अंदर से रोमर रेंज को हेट करता, आप लोग सारे लोग इस बात को मानते हो, पर आप लोग ऐसा समझो कि भाई एज ए नौकर ब्लड लाइन के अंदर करंट है भाई, मतलब रोमर रेंज उसको रखे हुए हैं, ना ही रोमर रेंज उसको पसंद करते हैं, ना ही पॉल हेमन पसंद करते हैं, ना ही सोलो सिवा पसंद करते हैं। तो मुझे क्या लगता है भाई अगर रॉक अगर रोमर रेंज को धोखा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेगा, अगर रॉक रोमर रेंज को धोखा देते हैं तो भाई जिमी उसको रॉक के साइड हो जाएंगे। जिमी उसको बहुत ही ज्यादा एक चलाक करेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, ऐसा उसको दिखाया जाता है। भाई आपका उनका रिवलरी देखने को मिलेगा रोमर रेंज के साथ, पर भाई बहुत बड़ा ऐसा रिवलरी होने नहीं वाला, क्योंकि भाई जब जे उसको रोमर रेंज को जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो भाई जिमी उसको क्या ही बिगाड़ पाएंगे। तो रिवलरी आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के बाद, आपको शायद से देखने को मिल सकता, पर भाई उतना कमाल का आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है कि जब ब्रॉक लेसनर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे तो क्या उनका रिवलरी हमें देखने को मिल सकता है रॉक के साथ। यार देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पहले जैसा नहीं कि उनको पूरा स्टोरी लाइन बनाना, आज के 25 साल पहले ही दोनों एक दूसरे को फेस किए थे, फिर से फेस कर रहे हैं, तो इस तरीके का जनरली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टोरी लाइन करंट टाइम बनाती ही नहीं है। तो भाई ब्रॉक लेसनर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ भी जाते हैं तो भाई मेरे ख्याल से मैचेज हारने ही वाले, मैचेज विन नहीं करने वाले। हो सकता आपको ब्रॉक लेसनर का मैच आपको गुंथर के साथ देखने को मिले जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर अगेन हारेंगे, या फिर ब्रॉक लेसनर का मैच आपको ब्रॉन ब्रेकर के साथ आपको मे भी देखने को मिल सकता। तो भाई ओवरऑल बात है कि भाई डब्ल्यूई वाले ओल्ड रेसलर का फाइट ओल्ड रेसलर के साथ नहीं करवाती, ओल्ड रेसलर का फाइट न्यू रेसलर के साथ करवाती। तो जो अपकमिंग जो रेसलर है डब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनका आपको मैचेस ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिल सकता, चाहे ब्रॉन ब्रेकर हो चाहे वो गुंथर हो। तो आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ब्रॉक लेसनर का मैच हमें रोमन रेंस के साथ देखने को मिल जाए, ब्लड लाइन के साथ देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक का मैच सबसे परफेक्ट है इस बार का समर स्लैम के लिए। यार देखो मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस और रॉक का जो मैच है भाई वन ऑफ द परफेक्ट मैच हो सकता है अगर डब्ल्यू वाली इसे बुक करती है। पर भाई आप लोग बात को समझो, डब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई करेंट है पूरा आइडियोलॉजी ही बदल चुका है, वो कभी भी उस रेसलर को पुश नहीं करते हैं जो रेसलर मतलब भाई ऑलरेडी अचीव कर चुका है सारा चीज। अगर हम लोग सेथ रॉलिंस का बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस काफी पॉपुलर रेसलर, ऑलरेडी वो सारा चीज अचीव कर चुका है। साथ ही साथ अगर हम लोग रॉक के बारे में बात करें तो भाई रॉक हमेशा के लिए डब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं रहने वाले, एक से दो रेसलर के साथ वो रिवलरी सिर्फ और सिर्फ करेंगे। तो डब्ल्यू वाले भाई आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को चूज करने वाले, डब्ल्यू वाले यहाँ पर सेथ रॉलिंस को चूज नहीं करने वाले। तो आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिले या फिर आपको क्रॉन ज्वेल के अंदर आपको देखने को मिले, आपको कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स करेंट है डब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर बनने वाला है, और जब कोई रेसलर जब फ्यूचर बनता है तो डब्ल्यूई वाले उसे बहुत अच्छा पुश करते हैं। अगर आप लोग आज के 10 साल या फिर 12 साल पहले याद करोगे तो भाई 10 साल पहले सेथ रॉलिंस के बड़े कमाल कमाल के अपोनेंट हुआ करते, जैसे सेथ रॉलिंस ने ट्रिपल एच को हराया था, सेथ रॉलिंस ने स्टिंग को हराया था, बहुत सारे बड़े बड़े रेसलर को हराया था। पर भाई अब जो टाइम है वो सेथ रॉलिंस का नहीं है, अब जो करेंट टाइम है वो कोडी रोड्स का टाइम है, आप लोग को इस बात को समझना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है सुरेश की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि रेसलमेनिया 40 का क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट मैच कौन सा होने वाला है। देखो मैं यहाँ पर भाई सिर्फ दो मैच को ऐड करना चाहूंगा, सबसे पहला मैच सैमी जेन वर्सेस गुंथर का सबसे बेस्ट मैच हो सकता है। अगर आप लोग पिछले साल का रेसलमेनिया देखो तो उसके अंदर सैमी जेन ने भाई जो परफॉर्मेंस दिया था मेरा पूरा लाइफ का सबसे बेस्ट वो मैच था। और साथ ही साथ अगर हम लोग गुंथर का भी बात करें तो भाई गुंथर का जो ट्रिपल थ्रेड मैच था वन ऑफ द बेस्ट मैच था पूरे रेसलमेनिया 40। अब ये दोनों ही रेसलर आकर एक साथ फाइट करने वाले, तो आप लोग समझ
सकते हो ये मैच कितना बैंगर मैच हो सकता है। साथ ही साथ भाई जे उसो वर्सेस जिमी उसो का जो मैच होने वाला है ये भी मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है रेसलमेनिया का। और हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई, आपको रेसलिंग वाइज आपको जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई स्टोरी लाइन वाइज भाई सबको पता है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सबसे बेस्ट होने वाला पूरे रेसलमेनिया 14। मैं क्या बताऊं भाई, इस मैच का जितना हाइप है मेरे ख्याल से भाई सारे लोगों को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आया कमाल की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि कोडी रोड्स क्या यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे रेसलमेनिया 14 के अंदर। तो भाई मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप लोग इतना समझ लो कि करंट टाइम भाई जितने बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने आ रहा है सारे करंट टाइम में कोडी रोड्स के फेवर में ही। मैंने आपको शायद से कल भी दिखाया था कि भाई करंट टाइम में कोडी रोड्स -700 से करंट टाइम फेवरेट चल रहा है। भाई ये कोई नंबर छोटा नहीं है भाई, अभी तक रोमन रेंस के पिछले 5 साल के रेसलिंग करियर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही आया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग न्यू चैनल का बात करें या फिर रेसलिंग एक्सपर्ट का बात करें तो भाई किसी ने भी इस बात को नहीं बोला कि इस बार रोमन रेंस विन कर सकते। तो भाई देखो डिसीजन तो यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ही लेने वाले, पर भाई करंट टाइम मामला भाई बिल्कुल उल्टा चल रहा है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं। तो भाई शायद से कोडी रोड्स इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर अपने स्टोरी को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा मेरा बिलीव है। भाई इस बात को मैं हर एक वीडियो के अंदर रिपीट कर रहा हूं, रेसलमेनिया 40 तक मैं रिपीट करते रहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है कि रॉक जो रोमन रेंस के ऊपर हिल्टन करेगा उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होने वाला, क्यों रॉक रोमन रेंस के ऊपर हिल्टन करेगा। तो भाई बहुत सिंपल है यार, रॉक का जो राष्ट्र डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पिछले 20 से 25 सालों से था और अब करंट टाइम भाई उस पोजीशन को किसी और बंदे ने आकर छीन लिया है जो कि है रोमन रेंस। यार रॉक के पास सबसे बड़ा यही रीजन है रोमन रेंस के ऊपर हिल्टन करने का कि वो है फाइनल बॉस ब्लड लाइन। रॉक पिछले स्मैकडाउन को पर आया था, वहां भी उन्होंने इस बात को बोला था लास्ट में कि वो है फाइनल बॉस। पर अगर हम लोग रोमन रेंस का बात करें तो भाई रोमन रेंस करंट टाइम में ट्राइबल चीफ बने हुए पूरे ब्लड लाइन फ्रैक्शन, मतलब रोमन रेंस ऐसा दिखाते हैं कि पूरे समोआन डायनेस्टी का वो करंट टाइम में किंग है। रॉक जो है वो खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि रियल किंग समोआन डायनेस्टी का वो है करंट टाइम। तो भाई फैमिली प्रॉब्लम ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन हो सकता है रॉक का हिल्टन का। बहुत सिंपल है भाई, रॉक कई बार इंटरव्यू के अंदर इस बात को ओपनली कह चुके हैं वो है रियल ट्राइबल चीफ, रोमन रेंस नहीं है रियल ट्राइबल चीफ। भले आपको करंट टाइम में स्टोरी लाइन के अंदर लग रहा हो कि दोनों भाई साथ में, पर रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से भाई रॉक खुद को ट्राइबल चीफ प्रूफ करना चाहते हैं ब्लड लाइन का, इसलिए वो हिल्टन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आयुष की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि रोमन रेंस के हारने का पीछे का सीन क्या हो सकता है या फिर सिचुएशन क्या हो सकता है। भाई जैसा कि मैं आपको बताया भाई, रॉक ही करंट टाइम में सबसे बड़े रीजन हो सकते हैं रोमन रेंस का हारने का। आपको पॉल हेमन का भी हिल्टन देखने को मिल सकता है, आपको सोलो सिकोवा का भी देखने को मिल सकता है, पर भाई करंट टाइम में सबसे बड़ा रीजन रॉक ही हो सकता है। रॉक क्यों होने वाला है जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई रॉक को खुद को ट्राइबल चीफ प्रूफ करना है। आप लोग ध्यान से सुनेगा, सबसे टॉप का जो रीजन होने वाला है रोमन रेंस का विन करने का या फिर लूज करने का रॉक ही होने वाला है। हो सकता है कि रॉक के वजह से रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहे या फिर हो सकता है रॉक के वजह से रोमन रेंस हार भी जाए। जो भी होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर आप लोग ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा रोल रॉक ही निभाने वाला है। रॉक अगर रोमन रेंस के अगेंस्ट जाते हैं तो रोमन रेंस हारेंगे, रॉक अगर रोमन रेंस के फेवर में रहते हैं तो रोमन रेंस विन करेंगे। मेरे ख्याल से भाई पूरा रेसलमेनिया 40 भाई रॉक के अकॉर्डिंग घूमने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है कि जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे तो उनको फैंस हेट करेंगे या फिर मतलब उनको फैंस एक्नॉलेज करेंगे। भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको ब्रॉक लेसनर जब भी देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो हील कैरेक्टर के साथ आपको देखने को मिलने वाला, ये चीज कंफर्म है। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर वो बंदा नहीं जो कि सामने आकर खड़ा होगा, भाई ब्रॉक लेसनर सीधे आकर सामने तुम्हें फाड़ देगा। आप लोग पूरा हिस्ट्री उठाकर देख लो भाई, जब भी ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न किया अपने अपोनेंट के ऊपर सीधे F5 लगाया, आप लोग कभी पूरे रेसलिंग कैरियर के अंदर ऐसा नहीं देखो कि ब्रॉक लेसनर किसी के सामने गया हो उसको छोड़ दे वो, मतलब या तो ब्रॉक लेसनर पीटेगा या फिर उसको पीट कराएगा, इस तरीके का कैरेक्टर भाई ब्रॉक लेसनर का है। तो मुझे नहीं लगता भाई ब्रॉक लेसनर को कोई भी घंटा फर्क पड़ेगा फैंस से। ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एक हील कैरेक्टर है तो भाई हील कैरेक्टर को जनरली कम ही फर्क पड़ता है। और जहां तक अगर हम लोग फैंस का बात करें तो भाई फैंस ज्यादातर ब्रॉक लेसनर को पसंद ही करते हैं, उनको एक्नॉलेज ही करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल निकल कर सामने आया कि कौन ज्यादा पॉपुलर है ब्रॉक लेसनर या फिर कॉनर मैकग्रेगर। तो भाई देखो मेरे ख्याल से भाई आप लोग कॉनर मैकग्रेगर और ब्रॉक लेसनर का आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो अगर हम लोग पॉपुलरिटी का बात करें तो भाई पूरे वर्ल्ड वाइड करंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर बहुत सारे कंपनी के अंदर काम किए पिछले 25 साल से, तो भाई ब्रॉक लेसनर को ज्यादा लोग जानते हैं। भाई अगर हम लोग कॉनर मैकग्रेगर का बात करें तो भाई वो बंदा एक सोशल मीडिया स्टार है पूरे वर्ल्ड के अंदर। भाई कहीं भी बॉक्सिंग फाइट हो आपको कॉनर मैकग्रेगर वहां पर देखने को मिलेगा, कोई भी बड़े इवेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर का बात करें तो भाई ये कहीं जाते ही नहीं है भाई, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर है ही। तो भाई पॉपुलरिटी में ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा है, पर भाई पैसा का जहां बात आता है भाई कॉनर मैकग्रेगर बहुत ज्यादा अमीर है। अगर आपको नहीं पता तो भाई ब्रॉक लेसनर का संपत्ति पूरा 100 करोड़ के अप्रोक्स होगा, कॉनर मैकग्रेगर का 500 करोड़। आप लोग समझ सकते हो भाई इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वैसे एक दो दिन बाद फिर से शाम को Q&A वीडियो आने वाला है चैनल के ऊपर, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को अपने भाई से बात करना है भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर से आ सकते हैं।